प्लेयर्स की हमने देखा है कि एक सर्टन एज तक हम देखते हैं कि उनके पैशन की वजह से उनकी रिक्वायर्ड स्किल्स जिस लेवल तक चाहिए होती है उस एज तक वो हमारे फुटबॉल के प्लेयर्स अच्छे होते हैं। जैसे हमने लास्ट एक इवेंट फुटसॉल का जीता था पोर्टुगल में अंडर 16 का, लेकिन जब आप अबव 16, अंडर 18, अंडर 21 की बात करते हैं तो उस लेवल की ट्रेनिंग नहीं है जहाँ हमने सवाल के क्लब लेवल का, आपके क्लब लेवल उस हद तक पहुँच सकें। सो आया जो नॉर्मलाइजेशन कमेटी है वो फ्यूचर में ये भी देख रही है कि आपको प्लेयर्स की डेवलपमेंट के लिए या उनको अच्छे क्लब स्ट्रक्चर में डालने के लिए यू नीड टू हैव योर प्लेयर्स प्लेइंग इन बिगर क्लब्स, और उसके लिए ज़रूरी है कि वो ऐसी ट्रेनिंग लें कि वो यूरोप में या ऐसे मुल्कों में जा सकें और फुटबॉल खेल सकें जहाँ इतने ट्रेंड प्लेयर्स होते हैं। बिल्कुल आपने सही बोला, इस वक्त दुनिया के अंदर फुटबॉल उस तरह नहीं हो रहा कि आप आइसोलेशन के अंदर आप कोई चीज कर सकें। जितने ज्यादा मौके हमारे यहाँ के लोकल यानी नेटिव प्लेयर्स को या पाकिस्तान के अंदर के खिलाड़ियों को बाहर मिलेंगे वो उतना ज्यादा वो पॉलिश होंगे। अच्छा, जो बात दूसरी आप कर रहे हैं जो कि डेवलपमेंट साइड की है, एक्चुअली वो है जिसको एड्रेस किया जाना चाहिए या जिसके लिए बहुत मेहनत की जानी चाहिए, वो ये है कि हम कैसे मुकाबला कर सकते हैं दुनिया का जहाँ पे 6-7 साल के बच्चे के ऊपर किसी ना किसी सूरत में एक डायरेक्शन उसको मिल जाती है, उसकी उसके उसके नेचुरल स्टाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए उस एज लेवल के कोचेज बहुत ही हाईली क्वालिफाइड और वेल इक्विप्ड कोचेज और सारा कुछ मुयस्सर है, एनवायरमेंट है, इंसेंटिव हैं, सारा कुछ है। और उसके बाद फिर अगली स्टेज के लिए और लोग हैं जो उनको उस स्टेज के लिए करते हैं। हमारे अभी कोचिंग के सेंस में बहुत कुछ होने वाला है। मैं आपसे 100% मुत्तफिक हूँ कि खिलाड़ियों का यंग एज में यानी हमारे यूथ को या उससे भी निचले लेवल का जो है वहाँ पे खिलाड़ियों को अगर हमारे पास वसाइल इतने दस्तयाब हो जाएं, ज़रूरी नहीं है कि वो पैसों की शक्ल में हो, वो कलेबरेशन की शक्ल में भी हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फीफा एंड एएफसी एंड इंटरनेशनल फुटबॉल कम्युनिटी, तो दैट कैन प्ले अ वाइटल रोल। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल, और जरूरी भी है, और सिर्फ ऐसे नहीं, सिर्फ फाइनेंशियल नहीं, फैसिलिटीज की अवेलेबिलिटी, मगर जहां हम डेवलपमेंट और इन सारी चीजों की बात कर रहे हैं वहां दूसरी तरफ अगर मैं प्लेयर्स की तैयारी की बात करूं, बिकॉज इस वक्त जो सामने हमें वो कहते हैं ना एक पढ़ाव दिख रहा है, दैट इज़ द साउथ एशियन फुटबॉल चैम्पियनशिप जो कि 21 जून को खेली जाएगी भारत में, उसके हिसाब से अगर मैं तैयारियों की बात करूं, शायद साहब कैंप लग गया है क्या, तैयारियां शुरू हो गई हैं या अभी इंतज़ार है कैंप लगने का, परमिशंस के ऊपर क्या अपडेट है, कुछ इसके हवाले से बताएंगे प्लीज़। अच्छा, इसका जो टेक्निकल पार्ट के ट्रेनिंग किस तरह की होगी वो आप आई हैव नो हेजिटेशन टू से कि वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, अलबत्ता जो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है इसका, दैट इज कैंप हमारा नेशनल गेम्स के फौरन बाद इंशाल्लाह लग जाएगा। आप क्वेटा में नेशनल गेम्स हो रही है तो उसमें फुटबॉल इज ऑल्सो एन इवेंट ऑफ दैट नेशनल गेम्स। तो हमारे जो कोचेज हैं नेशनल टीम के, जो हेड कोच और बाकी उनकी टीम, वो ऑलरेडी दे आर इन क्वेटा, और उसमें जो हमारे मौजूदा खिलाड़ी जो उनके लिस्ट में हैं उनको भी वो ऑब्वियसली जो उनमें से वो ले रहे हैं हिस्सा उसमें उनको भी देखेंगे, जज करेंगे, और जो नया टैलेंट है उसके लिए भी वो हंट करेंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद फिर हमारा पूरा इरादा है कि हम साफ गेम से पहले लड़कों को कोई इंटरनेशनल टूर भी दे सकें जिसके अंदर उनके लिए लर्निंग अपॉर्चुनिटी और बढ़ जाए, तो यहाँ पे हैं हम और उसकी पूरी तरह तैयारी करेंगे जितनी हमारी मैक्सिमम जो कुछ हो सकता हुआ इंशाल्लाह फेडरेशन उसके लिए जरूर एफर्ट करेगी जी। शायद साहब, साउथ एशियन चैंपियनशिप इंडिया ऑलरेडी चैंपियन है, हमारी क्या तैयारी के हवाले से, बिल्कुल सही बात है कि हम ऑब्वियसली जितना हमारी कैपेसिटी है उतनी हम तैयारी करेंगे, लेकिन क्या हमने कोई टारगेट सेट किए हैं कि इस चैंपियनशिप में, क्योंकि कुवैत और लेबनान की भी टीम्स हैं और इंडिया की टीम ऑलरेडी चैंपियन है, आई एम श्योर इंडिया इज मच बेटर टीम कम्पेयर टू पाकिस्तान, लेकिन हमारा कोई टारगेट है कि हमने उसमें किस लेवल तक जाना है और कितना कम्पीट करना है? फैसल, जो इस तरह के यानी ये वाला जो इवेंट है पर्टिकुलरली साफ, उसमें जिसके अंदर टीमों की तादाद महदूद है और उनमें से उन टीमों में से भी बहुत सारी हम एक कम्पेटिटिव हैं एक दूसरे के लिए,
तो उसमें आपका टारगेट माँ सिवाय इसके कि आपने टॉप टू पोजीशंस को मद्देनजर रखना है, इसके अलावा कोई टारगेट आप बना ही नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जब तो टारगेट तो ये है। अब इसमें अगर हम इंडिया के साथ कंपैरिजन करते हैं तो मेरा ख्याल है कि कंपैरिजन हमें कंपैरिजन के लिए वो जो एक जैसे वो बैकग्राउंड का वो जरूरी है, तो कंपैरिजन कागज के ऊपर अगर आप करेंगे तो वो तो फर्क होगा। अलबत्ता हम जैसा कि हम क्रिकेट में भी देखते हैं कि हम जरा अनप्रडिक्टेबल हैं, तो कुछ जोश और वलवला भी बढ़ जाता है जब हम हमसाया मुल्क से खेल रहे होते हैं। तो हमने अपना हिस्ट्री के अंदर बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है और बहुत अनप्रेसिडेंटेड विक्ट्रीज इंडिया के अंदर जाके, इवन आपको याद होगा 2014 में हमने दो मैचेस की सीरीज इंडिया के अंदर जाके जीती थी, उस वक्त भी रैंकिंग का बहुत डिफरेंस था हमारा उनके साथ। तो इंशाल्लाह हम अच्छा फुटबॉल देखने को मिलेगा और हम ये तवक्को कर रहे हैं कि ये बहुत कंपेटिटिव भी होगा और देखने वाले को अच्छे मैचेस मिलेंगे इंशाल्लाह देखने वालों। शाहिद साहब, हुकूमती इजाजत मिल गई है, बात हो गई है परमिशंस, ऑफिशियल परमिशंस जो होती हैं, बिकॉज ऑब्वियसली भारत जाने के लिए एक पूरे एक डेकोरम से गुजरना पड़ता है, वो सब हो गया? नहीं, अभी इन प्रोसेस है, लेकिन इंशाल्लाह हुकूमत हमेशा सपोर्टिव रही है इस रीजन के अंदर जो चीजें होती हैं। और आप मतलब हमें तो, मैं तो ये कहूँगा कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट्स हैं वो इंटरनेशनली अपनी टीम को हमेशा, कोई भी गवर्नमेंट हो वो उसको सपोर्ट ही करती रही है। हमने इंटरनेशनल खेलों का पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर भी हमेशा हमारी हुकूमतों ने उसकी हौसला अफजाई की है। और बाकी जो एक फॉर्मेलिटीज हैं वो वी आर इन प्रोसेस, इंशाल्लाह वो भी जल्दी हो जाएंगी। मतलब इंडिया से हम अपने आप को कंपेयर करते ही हैं, चाहे जैसे आपने कहा कि ऑन पेपर हम काफी नीचे होते हैं, कमर्शियल एस्पेक्ट से अगर हम इंडिया से खुद को कंपेयर करें तो इंडिया करता ये है कि आपके जो मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स होते हैं उसके थ्रू वो अपने स्लाइटली लेस पॉपुलर स्पोर्ट्स को सपोर्ट करता है, जिससे उनके पास कैंपेन्स ब्रांड्स की भी एक्टिव होती हैं और उसके हवाले से वो स्पोर्ट्स भी फिर आगे ग्रो करता है। जैसे हमने देखा है कि रिसेंटली उन्होंने फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी पे काफी काम किया है, थ्रू क्रिकेट किया है उन्होंने, लीग्स बना ली हैं, लीग्स बना ली, कैश काउ की तरह इस्तेमाल किया है क्रिकेट। एब्सोल्युटली। सो आपको लगता है कि पाकिस्तान में अभी भी हमारे पास क्लियर वो चीज है कि हम कर सकते हैं PSL के थ्रू या कुछ और क्रिकेट के इवेंट्स के थ्रू, लेकिन हम वो नहीं करते? आपको लगता है कि हमें करना चाहिए और उसमें आप लोग उसमें रोल प्ले कर सकते हैं? फैसल, दो इसमें चीजें हैं जो आपको मद्देनजर रखनी चाहिए। नंबर वन, इंडिया की जो कमर्शियल मार्केट है वो बहुत ही मजबूत और बड़ी है। अच्छा, एक तो ये बात है, और जब वो इतनी बड़ी मार्केट हो तो उसमें कंपटीशन का एलिमेंट बड़ा नुमाया होता है, जिसकी वजह से आपके जो कमर्शियल एंटिटी, जिनको कॉरपोरेट स्पॉन्सर आप आसान लफ्जों में बोलते हैं, वो किसी ना किसी तरह क्रिएटिविटी में अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। उसके बाद जो आपके स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनके ऊपर किसी भी कमर्शियल चीज ने खड़ा होना होता है, वो उस मार्केट के मैच्योर हो चुके हैं। पाकिस्तान की निस्बत, मैं खेलों की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे अभी अगर आप क्रिकेट को, क्रिकेट की उस हाइप को, हाइप से फायदा उठाना चाहें फुटबॉल के लिए, तो बीच में एक गैप है, यानी वो कनेक्टिविटी जो हो सकती है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए जो लोग जो इसको, इस लिंक को समझने की प्रोफेशनली सलाहियत रखते हों, वो थोड़ा गैप है अभी इसमें।